तुम दोनों डेट पे गए थे ना? हाँ दादी साहब, गए तो थे पर जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे वहीं पे अमीरा और अरमान आ गए। अरमान तो इस घर का बड़ा है ना, और तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू, और बड़ों का फर्ज होता है अपनी छोटों की खुशियों का ख्याल रखना, लेकिन तुम दोनों ही उन खुशियों में रुकावट पैदा कर रहे हो। हर बात पे इनसे मुकाबला करने की क्या जरूरत है? जेठानी साहब, कोई गलतफहमी हो गई होगी, वरना ये दोनों जानबूझ के उनकी डेट थोड़ी खराब करेंगे। मनीषा, गलतफहमी में तुम रह रही हो। इन दोनों ने जो कुछ किया जानबूझ के ही किया, क्योंकि ये दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये लड़की तो खुदगर्ज थी ही, अरमान इसके साथ रह रह के मतलब ही हो गया है। दादी साहब, हमें गलत सॉरी रोहित, तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, और अब जब सब सही करना भी चाहती हूँ तो भी सब गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट डेट तक नहीं ऑर्गेनाइज कर पाई। कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फूड टेबल शिवाली की ही थी, उसी ने वहाँ बुकिंग की थी। मुझे नहीं पता कि वहाँ अरमान कैसे आ गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं भी कैसी पागल हूँ, तुम अपने भाई को छोड़ के मुझ पे थोड़ी भरोसा करोगे। उन्हीं पे तो भरोसा नहीं है। मुझे लगता है वो जानबूझ के हमारी डेट खराब करने वहां आए थे। रूही, तुम रोना बंद करो। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं। मुझे तो उस इंसान पे शर्म आ रही है जो मेरा सो कॉल्ड बड़ा भाई है। वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है, अब तो मेरा पीछा छोड़े। उन्हें मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। रूही वेट, ये सब कैसे हुआ? रूही, ये सब कैसे हुआ? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। रोहित ऑलरेडी मुझसे इतना नाराज है, उसी की वजह से मुझे ये मुझसे दूर रहो अरमान। ये सब रोहित ने किया? नहीं, वो उसके हाथ से वास टूट गया था, गलती से मुझे चुप गया, जानबूझ के थोड़ी ना करेगा वो ये। रूही सच कहो। मैंने रूही से कहा था वास के टुकड़े ना छेड़े, मैं उठा लूंगा, पर उसने मेरी एक ना सुनी, खामखा चोट लग गई, पता नहीं कहाँ है वो। प्लीज भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। रूही, तुम्हारा खून नहीं रुक रहा है, तुम इतना दर्द क्यों सह रही हो? प्लीज दवाई लगा लो। मेरा दर्द है, मेरी जिंदगी है, मैं संभाल लूंगी, तुम बीच में क्यों तमाशा कर रहे हो अभी? ओके, मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये दवाई लगा लेना। मेरे हर जख्म का मरहम तो तुम हो अरमान, और मैं तुम्हें पाके रहूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।